सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास टू का। आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 9, जंगल में इंटरनेट। बच्चों, मैंने इसके पहले मेरे बचपन के बारे में कहा, मेरा बचपन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, ये जो कहानी था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में था। तो आज मैं आप लोगों को जंगल में इंटरनेट के बारे में, ये भी एक छोटी सी कहानी है जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो ये जो कहानी है शियार के बारे में है, जो कि काफ़ी चतुर था। तो उस तरह जंगल में इंटरनेट कैसे आया और उसके बाद क्या क्या हुआ है, इसके बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। सभी किताब निकालें, चैप्टर पेज नंबर 60, चैप्टर 9, जंगल में इंटरनेट। तो इसमें जो दिया हुआ है, इस पाठ में जंगल में इंटरनेट साइबर कैफ़े की कल्पना की गई है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, सभी जगह इंटरनेट सभी इस्तेमाल करते हैं। तो जंगल में भी जानवरों के बीच में इंटरनेट कैसे आया, इसके बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। जंगल में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया। जंगल का राजा शेर भी इसमें मज़े लेने लगा। पूरा पाठ बहुत रोचक बन पड़ा है। चंपू बंदर ने शेर से कैसे पीछे छुड़ाया, या बच्चों को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी है जो जंगल में इंटरनेट जब पहले पहले बार आया तो जंगल के जानवर सभी सब कैसे उत्साहित हुए। जंगल के जो राजा हैं शेर, वो भी इसके मज़े लेने लगा। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो ये जो चैप्टर है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जंगल में एक शियार था पीकू। तो पीकू नाम का एक शियार था जो कि जंगल में रहता था। वो बहुत चतुर और धनी माना जाता था। वो बहुत ही चतुर और धनी था। पिछले 5 साल से उसे कोई अन्य जानवर चुनौती नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह बहुत घमंडी हो गया था। तो वो बहुत ही चतुर और धनी था। तो पिछले 5 साल से कोई भी जानवर नहीं था जो कि उसे जीत पाता, को जो कि उसे चुनौती दे पाता, इसलिए वो बहुत ही घमंडी हो गया था। इस जंगल में एक बंदर भी रहता था, नाम था उसका चंपू। वो शहर में जाकर इंटरनेट वाला साइबर कैफ़े देख आया था। उसने जंगल में भी एक साइबर कैफ़े खोल दिया। अब वहाँ से इंटरनेट पर बातचीत की जा सकती थी, इसे चैटिंग कहा गया। तो जंगल में एक बंदर था जिसका नाम था चंपू। वो एक दिन शहर गया था और वहाँ से जाके उसने इंटरनेट के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की और वहाँ से वो सीख आया और उसने जंगल में भी एक साइबर कैफ़े खोल दिया। जब वहाँ पर जिसमें कि आपस में बातचीत की जा सकती थी, जिसे चैटिंग कहा गया है और कहते हैं। चंपू बंदर का कैफ़े चल निकला। जंगल के जानवरों के लिए एक अनोखी चीज़ थी, तो चंपू बंदर का कैफ़े चल पड़ा, क्योंकि ये एक जंगल के जानवर नई चीज़ थी जिसमें वह अपने दूर बैठे दोस्तों के साथ वो बात कर सकते थे, इसलिए वह जंगल में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। टप्पू लोमड़ी, पिंकू गिलहरी, पिंकू खरगोश और लालू भालू उसके कैफ़े में घंटों बैठकर खूब मनोरंजन करते और अपना समय बिताते। तो टप्पो लोमड़ी और पिंकू गिलहरी, पिंकू खरगोश और लालू भालू उसके कैफे में काफ़ी घंटों तक बैठकर खूब मनोरंजन करते और अपना समय व्यतीत करते थे। यानी वो अपना यहाँ पर बहुत ही अधिक वो मनोरंजन करते और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। चंपू की आमदनी रोजाना बढ़ती जा रही थी। पिंकू शियार की यह बात हजम नहीं हो रही थी। वह तो चंपू बंदर से चिढ़ता था, उसे अपने से आगे किसी का बढ़ना पसंद ना था। ठीक है, तो चंपू की आमदनी जो बढ़ती जा रही थी, इससे कि पिकू शियार को बहुत ही ख़राब लग रहा था। उसे हजम नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतने दिनों तक जंगल में एक वही था सबसे धनी था और जिसे कोई चुनौती नहीं दे पा रहा था। अब चूंकि चंपू की आमदनी बढ़ चुकी थी तो उसे यह भय सताने लगे कि कहीं चंपू उससे आगे ना बढ़ जाए। चंपू बंदर से वो चिन्हने लगा, उसे अपने आगे बढ़ता देख उसके जैसे ही वो उसे लगा कि वो उससे अगर आगे बढ़ गया तो उसके जंगल में कोई भी सम्मान नहीं करेगा। वो चंपू के साइबर कैफ़े में ठप करने के तरफ और वो सोचने लगा कि किस तरह से उसके कैफ़े को ठप किया जाए। तो मैं बाकी का अध्याय इसके बाद की क्लास में पढ़ाऊँगी। तो मैं आपको कुछ जीवन मूल्य से ये बात बताती हूँ, बुद्धि का प्रयोग। तो इसमें बुद्धि का प्रयोग करके किस प्रकार पिकू जानवर जो था वो बहुत ही जो पिकू जो शियार था वो जंगल में सबसे धनी बन गया था। ठीक है, और वो सबसे उसे कोई भी चुनौती नहीं दे पाता था। इसके बाद है ईश्वर की भावना न रखना। चूँकि चंपू बंदर वो इंटरनेट जंगल में खोलने के बाद बहुत धनी होते जा रहा था, उसे बहुत पैसा कमाने लगा था, इससे कि पिकू लोमड़ी को बहुत ईर्ष्या होने लगी। तो इस तरह से मन में ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी चाहिए, इसमें आप लोग जीवन मूल्य में सीखते हैं। तो मैं आप लोग को इससे कुछ शब्दार्थ बताने जा रही हूँ, इसको आप लोग देखिए।
पहला है चतुर, होशियार, फिर नंबर टू है चैटिंग, बातचीत। चैटिंग यानी क्या होता है? बातचीत करना, ठीक है। तरकीब, उपाय, ठीक है। तो पहला क्या है? चतुर यानी होशियार, चैटिंग बातचीत करना, ठीक है। तो इंटरनेट के द्वारा वो जो जंगल के जानवर थे वो आपस में चैटिंग करते थे यानी वार्तालाप करते थे, और तरकीब यानी उपाय। तो इस तरह से शब्दार्थ आप लोग को, इस तरह से शब्दार्थ अभी जब भी किसी कहानी पढ़िएगा तो आपको जो भी शब्द कठिन लगे तो उसका आपको अर्थ इस तरह जान लेना है, आपको याद कर लेना है। मैं कुछ शब्दों को आपको अंडरलाइन कर दूंगी, उस शब्दों को आपको याद भी करना है। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक से ये कहानी समझ में आ गई है। इसके बाद का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो आज के क्लास में यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।